हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप अभी ट्वेल्थ क्लास में हैं और वेट कर रहे हैं कि सीबीएसई क्या गाइडलाइन आनी है, क्या इंस्ट्रक्शन आनी है जिससे आपका रिजल्ट बनेगा, तो आपका वो इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा है कि सीबीएसई ने इस सैटरडे को अनाउंस कर दिया है कि क्या क्राइटेरिया होगा जिससे सीबीएसई टेंथ क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। और साथ ही सीबीएसई ने टेंथ क्लास के रिजल्ट की डेट भी डिक्लेयर कर दी है, 20 जून को आपका रिजल्ट आपके हाथों में होगा और आपका जो ये वेट है या इंतज़ार है वो ख़त्म हो जाएगा कि आपको 11th क्लास में पढ़ाई करने का मौका कब मिलेगा। तो आप अभी तक इंजॉय कर रहे थे, कुछ बच्चे परेशान भी थे या रिज़ल्ट कब तक आएगा, कब तक नहीं आएगा, और क्या ऐसा क्राइटेरिया हो गया, क्या प्रोसेस होगा। पहले तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म चीज़ होती थी कि आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, उसका जैसा भी आपकी परफॉर्मेंस होगी उसका रिज़ल्ट आपके हाथ में आ जाएगा। लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम आपको पता है कोरोना की वजह से हुए नहीं, तो बहुत से स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन है कि अब क्या होगा, रिज़ल्ट कैसे बनेगा, क्या हमारा साल बर्बाद होगा, क्या हमारा साल आगे चलेगा, हमारी पढ़ाई कंटिन्यू होगी, 11th क्लास की होगी, क्या होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में हैं, सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको आज यहां पर मिलने वाला है। तो इस वीडियो में बने रहिए स्टार्ट से एंड तक ताकि आपको आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब मिल सके। तो सबसे पहली चीज़ कि आपका जो रिज़ल्ट है जो किस क्राइटेरिया पर बेस होना चाहिए या किस क्राइटेरिया पर सीबीएसई ने डिसाइड किया है, आपकी जो टोटल वेटेज थी एक सब्जेक्ट की वो 100 मार्क्स थी, तो वो वेटेज अभी भी आपकी 100 मार्क्स ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर आपके 100 मार्क्स को किस तरह से डिवाइड किया जाता था, 20 मार्क्स आपको मिलते थे इंटरनल असेसमेंट के हर एक सब्जेक्ट्स में, ठीक है, इंटरनल असेसमेंट, और बाकी के जो 80 मार्क्स थे वो बोर्ड एग्ज़ाम के मिलते थे। लेकिन अब क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम तो हो गए हैं कैंसिल, ये तो हो गए हैं कैंसिल, तो अब सीबीएसई ने क्या किया, इस 80 मार्क्स के लिए उन्होंने स्कूल्स के ऊपर छोड़ा है कि स्कूल्स आपको ये 80 मार्क्स प्रोवाइड करेंगे। किस तरीके से करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, सब कुछ बता रहा हूँ, बस देखते रहिए। यहाँ पर जो 80 मार्क्स है उस 80 मार्क्स में से आपके जो 10 मार्क्स होंगे वो यूनिट टेस्ट के होंगे, जो आपके साल भर में यूनिट टेस्ट हुए हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हुए हैं उसके बेस पर, अगर आपके एक से ज़्यादा यूटी हुए हैं तो उनकी एवरेज निकाली जाएगी, उस एवरेज के हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। 30 मार्क्स आपको दिए जाएंगे आपके हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम के, हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी मोस्टली स्कूलों में ऑनलाइन ही हुए थे, तो उम्मीद है कि इन लोगों इस एग्ज़ाम में आपने बहुत बेटर किया ही होगा तो आपके मार्क्स डेफिनेटली अच्छे आने आने हैं। बाकी के जो 40 मार्क्स बचे ये 40 मार्क्स होंगे आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम के। तो इस तरीके से आपका ये वेटेज है वो 80 मार्क्स को डिवाइड किया गया। अब ये मार्क्स देंगे कैसे, ठीक है, क्या टीचर के अपने हाथ में होगा पूरे कि आपको मार्क्स कैसे दे दे, बिल्कुल नहीं होगा। आपकी जो यहाँ परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स दिए जाएंगे। सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि कोई भी स्कूल किसी भी तरह का फेवरिज्म नहीं करेगा, कहीं कोई गलत मार्किंग नहीं करेगा, और इसके लिए सीबीएसई ने कमेटी बनाई है। उस कमेटी के अंदर स्कूल के प्रिंसिपल प्लस जो आपके सब्जेक्ट टीचर हैं, 5 मेन सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश मैथ्स साइंस और सोशल साइंस, इन 5ों के टीचर्स, आपके प्रिंसिपल, और साथ ही 2 टीचर ऐसे होंगे जो आस पड़ोस के किसी बाहर के स्कूल से होंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई स्कूलों के टीचर ने डिसाइड करना है सब कुछ, जो बाहर के टीचर्स आएंगे वो भी यहाँ पर असेसमेंट देखेंगे कि किस तरह से असेसमेंट किया जा रहा है और अपनी रिपोर्ट सीबीएसई को भेजेंगे ताकि आपके मार्क्स देने में किसी भी तरह की कोई स्कूल की तरफ से कोई गलती ना हो। तो ये सब क्राइटेरिया है जिसके हिसाब से आपके मार्क्स दिए जाएंगे, और स्कूलों को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपके मार्क्स जो वो 9 जून तक अपलोड कर दें ताकि सीबीएसई 20 जून तक आपका रिजल्ट आपके हाथों में दे सके और आप अपनी 11th क्लास की पढ़ाई आगे से स्टार्ट कर सके। तो आप सभी को आपके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के लिए ऑल द बेस्ट।